दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ वो फेमस झील जिसका नाम है वृंदावास। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियाँ मिलते हैं, इसमें कुल मिला के एक साल में 30,000 पक्षियाँ आते हैं और 250 से ज़्यादा इसका जो वेराइटीज़ होते हैं देसी और विदेशी पक्षियों को मिला के यहाँ पे 250 के अराउंड पक्षी के प्रजाति आते हैं। आप लोग इस पे देख पा रहे हो वो जो फेमस झील है वृंदावास वो यही है। यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं बहुत सारे, आप देख पा रहे हो। इसको दिखाने के लिए थोड़ा नजदीक जाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये रहा वृंदावास का व्यू पॉइंट, यहाँ पे जाके आप पूरी नजारा ले सकते हो, सारी चीज देख सकते हो, पक्षी और जो जो चीजें है सारा दिख जाएगा आपको बढ़िया से। चलिए ऊपर चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं व्यू पॉइंट के ऊपर। अभी आप देख पा रहे हो कहाँ से ये फैला हुआ है, बहुत दूर से आपको दिख जाएगा। ये जहाँ तक आप देख पा रहे हो बहुत दूर दूर तक, ये कैमरा भी लेंस भी इसको पकड़ नहीं पा रहा है, बहुत पीछे है। हर 2 किलोमीटर के बाद आपको इस टाइप का एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा ताकि आप आसानी से देख सको। दोस्तों अभी हम 40 फीट ऊपर है व्यू पॉइंट में, ये आप देख पा रहे हो इसमें पक्षियाँ भाग रहे हैं बहुत सारे। ये अलग अलग तरह के पक्षियाँ आते हैं विदेशों से, अलग अलग सीजन में यहाँ अलग अलग पक्षियाँ आते हैं। वो दूर दूर आप देख पा रहे हो। 3 जून 2003 को भारत सरकार ने इस झील का काम पूरा किया था। यहाँ पे एक टनल बनाया गया था, उस टनल से पानी का स्टोर करने के लिए इस झील को बनाया गया था। लिफ्ट कैनल का पावर फेलियर होने के टाइम जो एक्सिस वाटर होता था उस वाटर को स्टोर करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था और एक कैनल के जरिए सारा पानी को यहाँ स्टोर किया जाता था। जो डैम का पानी एक्सिस हो जाता था उस पानी को यहाँ पे सेव किया जाता था। यहाँ पे देख पा रहे हो यही वो कैनल है जिसके सहारे सरकार ने डैम से पानी जो एक्स्ट्रा पानी हो जाता था उसको स्टोर करने के लिए लाने के लिए इस कैनल को बनाया था। ये पंप के सहारे पानियों को उस पर ले जाया जाता है जानवर को देने के लिए, पीने के लिए, ठंडा रखने के लिए। और ये एक मशीन है, वो एक मशीन है, उसके पीछे भी आपको मैं दिखाता हूँ। हर जगह यहाँ मशीन लगा रखा है जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, मतलब दोनों साइड तीनों साइड हमेशा पानी, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए, हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। इसलिए ये बहुत पुराना इंजन है, बहुत हेवी इंजन, उस साइड भी लगा रखा है। भरतपुर पक्षी उद्यान है, उस पक्षी उद्यान में पानी की कमी की वजह से बहुत सारे विदेशी पक्षियाँ मर जाते थे, उस पक्षियों को भी यहाँ पे थोड़ा बसाने के लिए ये जगह का निर्माण किया गया था। यहाँ पे ये पुराना पेड़ पौधे तो बहुत है लेकिन जो यहाँ का झील है और जो यहाँ का कैनल है पानी आने का उसको सरकार द्वारा बनवाया गया था 2003 में। तो ये झील 1074 1074 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, आप इसको देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कहाँ तक फैला हुआ है ये। इस झील को घूमने के लिए पैदल घूमना तो नामुमकिन है, इस झील को घूमने के लिए आपको बाइक के सहारे भी 12 किलोमीटर लगेगा, बाहरी बाहर आपको घूमने में 12 किलोमीटर लगेगा, अंदर आप इसका नज़ारा लोगे पक्षी देखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सारी पक्षियाँ अभी हमारे आने के बाद उड़ गए हैं अंदर की तरफ, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे उड़ते हुए एक दो, लेकिन इस साइड अभी है नहीं, वो पेड़ पौधे के ऊपर भी थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, अभी हम जाएंगे उस साइड। भाई यहाँ आने का बहुत कुछ रीज़न हो सकता है, आप जैसे आप शांति ढूंढो यहाँ पे आपको शांति मिल सकता है, शहर की स्ट्रेस भरी दुनिया से कुछ राहत लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। देख पा रहे हो ये हमारे बाइक के सामने उड़ने वाली है, ये 1 2 3 उड़ गई उड़ गई, ये नीचे गई। यहाँ पे बॉडी बनाते हुए हमारा कैमरामैन। दोस्तों आप पानी का कलर देख सकते हो, बहुत साफ पानी है इसीलिए यहाँ पे पक्षियाँ आते हैं देश विदेश से। 3,000 से ज़्यादा पक्षी अभी भी यहाँ मौजूद है और जो सीज़न होता है उस पर 30,000 पक्षियाँ आते हैं, लेकिन उसका वेराइटीज़ होता है सिर्फ 250 और अलग अलग सीज़न में अलग अलग पक्षियाँ पाया जाता है। इस टाइम अभी लोगों का कहना है और यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं उन्होंने कहा कि 3,000 से ज़्यादा पक्षियाँ अभी यहाँ मौजूद है। दोस्तों हर पेड़ पे आपको यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ मिल जाएगा ताकि कोई काट के ले ना जा पाए। आज हम पूरे के पूरे 12 किलोमीटर घूमने वाले हैं और देखेंगे कहाँ तक ये झील है,
कहाँ जाकर ये पूरी सारे जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दिन में भी, लेकिन रात को आप गलती से भी यहाँ मत आइए क्योंकि यहाँ पे लूटपाट भी होती है और जंतु जानवर भी जो जो है वो रास्ते पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी सेफ जगह सही है रात को रहने के लिए और उसके हिसाब से पानी से ऊपर ही उनका सेफ जगह है। यहाँ से आके आपको एक गेट मिलेगा नीचे जाने का, यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो। वन्य प्राणी विहार, यहाँ से मतलब वन्य प्राणी नीचे भी जाते हैं बाहर भी आते हैं और रात को इसी स्टेप से होते हुए ऊपर आते हैं। मैं आपको एक बार स्टेप दिखा देता हूँ, आप याद रखना 457 नंबर पेड़ के पास, ये नंबरिंग किया हुआ पेड़ों में, इसके पास जो गेट है यहाँ से आप नीचे जा सकते हो देखने के लिए। दिन में आपको कोई अटैक नहीं करने वाला क्योंकि दिन में सारे उस पार रहते हैं पानी के और लोग यहाँ से घूमते हुए देख के जाते हैं आगे। रात को आप कभी भी मत आना यहाँ पे और दिन में आओगे तो भी थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके देखना। और यहाँ से ये रास्ता निकलेगा दोस्तों, इस झील में आने के लिए आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 52 किलोमीटर लगेगा और आपको कैब लेकर आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन स्टेशन से आओगे तो आपको 8 किलोमीटर लगेगा, वहाँ से आप बाइक से भी आ सकते हो, कैब लेके भी आ सकते हो। अगर आप बाइक लेके आना चाहते हो झज्जर बस स्टॉप से तो आपको 12 मिनट का टाइम लगेगा, बाइक पे हो या गाड़ी पे हो। और तीनों ही जगह बहुत सेफ है, तीनों से आप आ सकते हो, तीनों साधन अगर आपके पास है। और बाहर के जो विदेशी लोग आते हैं वो लोग तो एयरपोर्ट से आएंगे, उनके लिए मैंने ये जानकारी दे दी। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो दूसरी स्क्रीन पे, ये मोरनी उड़ने वाली है दोबारा। भिंडावास बर्ड सेंचुरी का ये है मेन ऑफिस, इसमें जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है उसका भी ऑफिस है इसके अंदर ही। आपको कुछ इस टाइप का ऑफिस यहाँ देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर जाते ही आपको हर जगह का हर चीज का मैपिंग किया हुआ मिलेगा। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, जो भी इंजर्ड हो जाते हैं जंतु जानवर या तो पक्षी उनके इलाज के लिए यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था है। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। लेकिन यहाँ आपको सांधे को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सांधे को बंद ही रहता है। यहाँ दो टाइप का आपको मैप देखने को मिल जाएगा, एक मैप में आपको कहाँ पे क्या चीज देखने को मिलेगा और दूसरी मैप में आपको ये पूरी जंगल के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पे आके घूमना हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, ये 1074 एकड़ में जमीन फैला हुआ है। इसलिए आप पहले मैप को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आप यहाँ एंट्री कीजिए, उसके बाद अंदर का पूरा फीलिंग लीजिए। दोस्तों अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े हुए हो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। दोस्तों अभी टाइम 5 बज चुका है इसीलिए ये बंद हो गया है, लॉक हो गया है, अभी हमारा भी जाने का टाइम हो गया। ये दूसरी गेट मिलेगा आपको, ये दो गेट से एंट्री होता है, हमने एंट्री किया, आप लोगों को अंदर का सारा कुछ दिखा दिया। अभी दोबारा आएंगे तो आपको और लंबा वीडियो बना के दिखाएंगे। यहाँ पे एंट्री करते ही आपको ये ऑफिस मिल जाएगा, इसके अंदर आप भी देख सकते हो यहाँ पे संग्रहालय है पहले पुराने जमाने का, और इससे एंट्री होते ही आपको उस साइड जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापिस, तो आज का दिन तो बहुत अच्छा बीत गया, आशा करता हूँ वीडियो देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, जो झज्जर के हैं वो लोग वीडियो को फैला देना ताकि बहुत लोग देख पाए और आप लोगों के इस जगह को देखने के लिए आप आए।